हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन इन द लिटरेचर सीरीज ऑफ एचपीएससी पीजीटी इंग्लिश। हम कर रहे हैं मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट को हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मॉडर्न एज के पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट को। नॉवलिस्ट की तरह इस एज में काफ़ी रिनाउंड पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट भी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देख कर जाने हैं। W.H. ऑर्डन एंड W.B. यीट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ वॉर पोएट्स भी हैं, जैसे विल्फ्रेड ओवन है, रूपर्ट ब्रूक हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स हैं एंड डिलन थॉमस। सो ये चार वॉर पोइट्स हैं जिन्होंने कुछ इनमें से कुछ पोइट्स ने वॉर के फेवर में पोइट्री लिखी है, कुछ पोइट्स ने वॉर के एंटी लिखी है कि वॉर नहीं होनी चाहिए। तो इनके कुछ वर्क्स ही हमें करने हैं। बहुत रिनाउंड जो इनके वर्क्स हैं उनको हमें करके जाना है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। सरफेस लेवल पे भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ड्रामेटिस्ट की बात करें तो जॉन गैल्सवर्दी, G.B. शॉ, सीनो केसी एंड J.M. सिंच, ये चार ड्रामेटिस्ट हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज में। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑथर तो मैंने बताए ही नहीं। सो इस एज के सबसे इंपॉर्टेंट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हैं T.S. Eliot। T.S. Eliot ना सिर्फ एक पोएट और ड्रामेटिस्ट हैं बल्कि एसेस्ट भी हैं। बहुत सारे एसेज उन्होंने लिखे हैं जो कि हर एग्जाम में उनके एसेज से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको भी इसका ध्यान रखना है। और साथ ही ये एक क्रिटिक भी हैं। क्रिटिसिज्म के वर्क्स भी इन्होंने लिखे हैं अपने एसेज के थ्रू। इन्होंने क्रिटिसिज्म के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं, कुछ नई नई टर्म्स इन्होंने लिखी हैं, बताई हैं, तो वो भी हमें देखना है। इस समय की अगर हम पोइट्री की बात करें तो हमें दिखाई देता है फ्री वर्स। इस टाइम पे जो ट्रेडिशनल राइम एंड रिदम वाला सेटअप है वो इस टाइम के पोइट्स ने नहीं माना था। वो लोग फ्री वर्स में बिलीव करते थे। फ्री वर्स में क्या होता है कि मीटर जो है वो सिंपल रहेगा, थोड़ा थोड़ा प्रोज की तरह वो दिखता है, बट उसमें एक जो ट्रेडिशनल राइम और रिदम होती है वो हमें नहीं दिखाई देता। सो फ्री वर्स को इन्होंने प्रमोट किया। इसके अलावा इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग इमेजरी हमें दिखाई देगी और डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिखाई देगा। इस टाइम के ऑथर्स ने जो ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स तो डिनाई की ही, उसके अलावा जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स थे पोइट्री लिखने के, ड्रामा लिखने के, उनको भी चेंज किया। वॉर पोइट्री इस टाइम पर हो रही थी। इसके अलावा उसका जो इम्पैक्ट हुआ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हमें इस टाइम के लिटरेचर में, पोइट्री में, ड्रामास में दिखाई देती है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हम कह सकते हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं कि इस एज की पोइट्री में हमें दिखाई देती है। इस चीज़ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट हमें अगर ये पता है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं इस एज के इम्पॉर्टेंट पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा है, द लाइन मोमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट अकर्स इन यीट्स। W.B. Yeats की पोएम है। W.B. Yeats बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो लाइन है, मोमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, ये कौन सी पोएम में उनकी आई है? बाइजेंटियम, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, सेलिंग टू बाइजेंटियम, द सर्कस एनिमल्स, डेजर्शन। सो ये जो लाइन्स हैं ये अपियर होती हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। ये जो चारों पोएम्स हैं इसमें से जो फर्स्ट थ्री पोएम्स है, बाइजेंटियम, अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड सेलिंग द बाइजेंटियम, इनकी समरी आप देख कर जाना। सेलिंग टू बाइजेंटियम का टेक्स्ट भी आप देख सकते हैं। ये ऑथर जब खुद बूढ़े थे उन्होंने ये उस टाइम पे लिखी थी, और ये सोल की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी की वो बात कर रहे हैं। एक तरह से मेटाफर है इसमें जर्नी टू बाइजेंटियम की। सेलिंग टू बाइजेंटियम मतलब कि ऑथर एक ट्रेडिशनल सी जगह है रोमन एम्पायर की, बाइजेंटियम, वहाँ पर जाना चाहता है, और उसको, उस जर्नी को उसने कंपेयर किया है अपने स्पिरिचुअल जर्नी से। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस पोएम से देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स यीट्स डेवलप्ड हिज थियोरी ऑफ गायर्स। सो थियोरी ऑफ गायर्स के लिए बहुत फेमस है W.B. Yeats। तो ये जो थियोरी ऑफ गायर्स है ये उन्होंने कौन सी पोएम में डेवलप की थी? ए विजन, द सीक्रेट रोज, जॉन सर्मन एंड ड्योआ, द सेल्टिक ट्विलाइट। सो ये जो थियोरी ऑफ गायर्स है ये इन्होंने डेवलप की थी ए विजन नाम के वर्क में, ए विजन नाम के पोएम में। अब होता क्या है, थियोरी ऑफ गायर्स के बहुत सारे मतलब हैं, बट एक सिंपल सा मीनिंग इन्होंने बताया है कि
जो हिस्ट्री में इरा होती है, टाइम पीरियड होता है, तो उसको उन्होंने गायर्स के साथ कंपेयर किया है। जैसे उन्होंने कहा है कि सपोज 2000 ईयर्स का एक पीरियड एक गायर है, और जो मिडल होता है 2000 का मिडल यानी कि 1000, वो जो मिडल होता है वो टाइम एक आइडियल टाइम होता है, एक क्लासिकल लिविंग के लिए एक अच्छा टाइम होता है। सो थियोरी ऑफ गायर्स को भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये से सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अबाउट, जो ये पोयम है ये किसके बारे में है? क्या ये आयरिश कल्चर के बारे में है, द आर्ट एंड कल्चर ऑफ बाइजेंटियम इन जनरल, या फिर आयरिश रेवोल्यूशनरीज के बारे में है, या रीजनरेटिंग द आर्ट एंड कल्चर दैट एग्जिस्टेड इन बाइजेंटियम? सो ये किसके बारे में है? ये है रीजनरेटिंग द आर्ट एंड कल्चर दैट एग्जिस्टेड इन बाइजेंटियम। सो ये जब सेलिंग टू बाइजेंटियम में बताते हैं कि कैसे बाइजेंटियम जो एक सिटी है, स्पिरिचुअल सिटी है, ओल्ड एज लोगों के लिए एक आइडियल सिटी है, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, एंड वहाँ की जो आर्ट है वो एक सिंबल है, वो आपको इमोर्टालिटी की तरफ लेकर जाती है। आर्ट जो है वो मानते हैं कि वो इमोर्टालिटी की तरफ कैसे लेकर जाएगी, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व कर लेती है जो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे आर्ट है, एक आर्टिस्ट ने पेंटिंग बना दी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो सालों साल तक वैसी ही रहेगी। उसमें जो पेंट, सपोज कोई ह्यूमन बीइंग्स पेंट किए हैं, वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। सो इसमें वहाँ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की गई है। बींग सो कॉट अप, सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट डैश ऑफ द एयर, डिड शी पुट ऑन हिज नॉलेज विद हिज पावर बिफोर द डैश बीक कुड लेट हर ड्रॉप, येट्स लीडा एंड द स्वैन चूज द राइट वर्ड्स फॉर द प्लैंक्स। लीडा एंड द स्वैन एक सोनेट है, 14 लाइनें हैं, आपको इसका टेक्स्ट डेफिनेटली देख के जाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया है इसके कोटेशन से क्वेश्चन आते हैं। सो ये जो लाइन है लीडा एंड द स्वैन की लास्ट लाइन्स हैं, लास्ट लाइन्स में से इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं। सो 14 लाइनें पढ़नी भी आसान है, उसको समझना भी आसान है, और ये वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, तो आपको डेफिनेटली इसका टेक्स्ट देखना चाहिए। इंटरनेट से आप निकालेंगे तो आपको पूरी पोएम निकल जाएगी, एंड क्लिफ नोट्स करके एक वेबसाइट है, उस पर आपको लाइन टू लाइन उसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में होगा ब्लड, एंड सेकेंड में होगा इनडिफरेंट। सो सी विल बी द आंसर, सी इसका आंसर रहेगा। Which of the following images is not part of W.H. Auden's poem In Memory of W.B. Yeats? So, In Memory of W.B. Yeats में W.H. Auden ने ये poem लिखी है इस महान पोइट के बारे में, उसकी डेथ के बाद एक एलिजी है, तो उसने बहुत सारी इमेजेस उसमें यूज की हैं, बहुत सारी फिजिकल इमेजेस को उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो उन फिजिकल इमेजेस में से कौन सी इमेज इस पोएम में नहीं है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, इसका भी आप चाहो तो एक डिटेल समरी देख सकते हैं, चाहो तो एक बार टेक्स्ट भी देख लेना। बहुत ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, बट बहुत छोटी भी नहीं है, सोनेट की तरह 14 लाइनों की भी नहीं है, आई थिंक 10-12 स्टेंजा इसमें है। सो इसमें मरकरी सिंकिंग इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, ये बिल्कुल इसमें एक इमेज इन्होंने बनाई है, मरकरी सिंकिंग इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, वॉल्स रनिंग थ्रू एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भी इमेज उन्होंने दिखाई है कि जो वॉल्स हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, साइलेंस इनवेडिंग द सबर्ब्स, क्योंकि ऑथर की डेथ हो गई है तो हर जगह साइलेंस हो गई है, मेमोरी स्कैटरिंग लाइक द बीड्स। सो बीड्स क्या होते हैं? मोती, जैसे मोती की माला टूट जाए वैसे मेमोरीज बिखर गई हैं, ये इमेजरी इस पोएम में नहीं दिखाई गई है। सो आपको करना क्या है, इस पोएम की सारी इमेजरीज पढ़ना। बेसिकली W.B. Yeats की डेथ के बाद W.H. Auden ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे इतने महान पोएट जिन्होंने आयरलैंड के लिए इतना बड़ा रेवोल्यूशन किया, उनकी डेथ हो गई, एंड लोगों ने उनकी डेथ को मॉर्न भी नहीं किया उस तरह से। लोगों को तो इतना ज़्यादा मॉर्न करना चाहिए था, क्योंकि इतने महान पोएट हैं जिनकी डेथ हुई है, एंड साथ ही वो ये भी बात इस पोएम में कहते हैं कि चाहे कोई मॉर्न करे ना करे, जो ऑथर है W.B. Yeats है, उनकी महान पोइट्री के थ्रू वो आज भी जिंदा है। सो ये इमेजेस आपको जरूर देख कर जानी चाहिए।
इन ए पोयम इन मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी। सो ये भी एक पोयम डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखी थी अपनी ही को वर्कर लेडी ग्रेगरी के बेटे के लिए। सो लेडी ग्रेगरी के बेटे का नाम है रॉबर्ट ग्रेगरी। डब्ल्यू बी ईट्स मेंशन एन आयरिश राइटर हु हैड फाउंड हिज इंस्पिरेशन इन ए मोस्ट डेसोलेट स्टोनी प्लेस दैट ही केम टूवर्ड्स नाइट फॉल अपॉन अ रेस पैशनेट एंड सिंपल लाइक हिज हर्ट हु इज द राइटर। अब ये जो पोयम है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें गाइस 12 स्टैंजास हैं। तो इसमें क्या है, जो डब्ल्यू बी ईट्स हैं वो मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी को याद कर रहे हैं। ये एक एलिजी है उनकी डेथ पे, उनको याद कर रहे हैं। अगर आप डब्ल्यू बी ईट्स की बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक नेशनलिस्ट थे। वो लड़ा करते थे देश की अच्छी चीज़ों के लिए। वो एक रेवोल्यूशन उन्होंने शुरू किया था, उसी रेवोल्यूशन में उनके साथ रॉबर्ट ग्रेगरी भी थे और कुछ लोग थे जिनके बारे में वो अपनी पोएम्स में लिखा करते हैं। इस पोएम में उन्होंने 4 लोगों के बारे में लिखा है। बेसिकली तो ये मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी के लिए है, उनकी डेथ को ये मॉर्न कर रहे हैं, बट इसके अलावा इन्होंने तीन और लोगों के बारे में लिखा है, जैसे जे एम सिंज। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये जे एम सिंज विल बी द आंसर बी। जे एम सिंज के वर्क द लिविंग वर्ल्ड का भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है। कुछ लाइंस अगर आप देखेंगे, सो द लिविंग वर्ल्ड क्या है, द लिविंग वर्ल्ड इनका खुद का एक वर्क है जे एम सिंज का। इसके अलावा इन्होंने लाइनल जॉनसन नाम के एक इंसान को याद किया है जो इनके फ्रेंड थे, जिनको ये 20 साल से जानते थे। उसके अलावा ओल्ड जॉर्ज पॉलेक्स फिन ऐसे इस नाम से भी एक इंसान है जिनको इन्होंने याद किया था। तो 4 लोगों के ऊपर ये है, जे एम सिंज, लाइनल जॉनसन एंड लॉर्ड जॉर्ज पॉलेक्स फिन एंड रॉबर्ट ग्रेगरी तो है ही। तो 4 लोगों को इन्होंने मॉर्न किया है। डब्ल्यू बी येट्स ईस्टर 1916 इज। सो ईस्टर 1916 क्या है, अगेन एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। मैंने कोशिश की है कि सारी इम्पॉर्टेंट पोएम से एक एक दो दो क्वेश्चंस मैं एटलीस्ट लेकर आऊं, ताकि आपको ये भी पता चले कि मुझे कौन सी पोएम पढ़कर जानी है, कौन सी मैं छोड़ सकता हूँ या सकती हूँ। सो ईस्टर 1916 क्या है, ईस्टर 1916 इज अ रिस्पॉन्स टू मेजर पोलिटिकल अपराइजिंग, ए रेमिनिसेंस ऑफ हिज विजिट टू अ नर्सरी स्कूल, अ लव पोएम फॉर मोड गॉन, एन ओड टू हिज नेटिव कंट्री। सो बेसिकली डब्ल्यू बी ईट्स ने इन चारों टॉपिक्स के ऊपर पोएम्स लिखी हैं, बट ईस्टर 1916 किसके बारे में है। ईस्टर 1916 है ए रिस्पॉन्स टू मेजर पोलिटिकल अपराइजिंग। सो आयरलैंड में एक रेवोल्यूशन चला था 1916 में, ईस्टर 1916 इसलिए इस पोएम का नाम भी है, जिसमें इन्होंने ऑनर किया है आयरिश नेशनलिस्ट्स को जो कि लड़ रहे थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। सो ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड को अपना एक पार्ट बनाया तो हुआ था, बट उनके राइट्स और उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ नहीं कर रही थी। सो आयरलैंड को एक अच्छी पोजीशन में रखने के लिए वहाँ के कुछ नेशनलिस्ट ने एक रिबेलियन शुरू किया था। उनकी याद में ये जो वर्क है उस पॉलिटिकल अपराइजिंग के रिस्पॉन्स में ये पोयम लिखी गई थी। सो डब्ल्यू बी ईट्स भी उसको सपोर्ट करते थे, ईस्टर 1916। सो मॉड गॉन इनकी बेलवेड हैं, जिनको इन्होंने बहुत बार प्रपोज किया बट वो कभी भी उनसे शादी के लिए नहीं मानी। उन्होंने मल्टीपल टाइम्स उनको प्रपोज किया, जिसका इम्पैक्ट हमें इनकी पोएम्स में भी दिखता है। एंड ऐसा कहा भी जाता है कि मॉड गॉन की वजह से ही वो एक नेशनलिस्ट बने थे, क्योंकि मॉड गॉन भी एक एक्ट्रेस थी और एक्टिविस्ट भी थी। एंड जो जो नर्सरी स्कूल में इनकी विजिट है वो अमंग स्कूल चिल्ड्रन के नाम से इन्होंने एक पोएम लिखी है। सो इस तरह से बहुत सारे वर्क्स हैं जिनकी ये थीम्स हैं। द ईयर 1939 प्रूव टू बी अ क्रूशियल ईयर फॉर टू इम्पॉर्टेंट राइटर्स इन इंग्लैंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रेज बिलो। सो 1939 आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू इस ईयर में शुरू हो गई थी, एंड ये टाइम क्रूशल है दो लोगों के लिए, दो इम्पोर्टेंट राइटर्स के लिए। क्यों? इसका आंसर रहेगा फॉर यीट्स हु डाइड, फॉर ऑर्डन हु लेफ्ट इंग्लैंड फॉर यूएस। सो डब्ल्यू बी यीट्स की डेथ हुई थी 1939 में, एंड डब्ल्यू एच ऑर्डन ने इंग्लैंड को छोड़कर यूएस में शिफ्ट कर लिया था और वहाँ पे अच्छी खासी पोजीशन पे वो काम कर रहे थे। सो इस रीज़न से ये ईयर दोनों ही पोइट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजी तो मैंने आपको पहले भी अपने हर लेक्चर में बताया कि आपको इम्पॉर्टेंट ऑथर्स के इम्पॉर्टेंट वर्क्स की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। बट चलो देख लेते हैं, इसका आंसर रहेगा बी, द डिजर्टेड विलेज, ए पॉइजन ट्री, ओजीमंडियाज, द ब्लेस्ड डैमजल। मल्टीपल एजिस से, मल्टीपल वर्क्स, मल्टीपल ऑथर्स से ये वर्क्स हैं, इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, सो इट्स ए रिक्वेस्ट, इसको आप छोड़ के आना क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न पोएम्स एम्प्लॉयज ओटावा रायमा? कौन से मॉडर्न पोइट्स ने ओटावा रायमा को यूज किया है एंड कौन सी पोयम में? सो डब्ल्यू बी यीट्स ने ओटावा रायमा को यूज किया है अमंग स्कूल चिल्ड्रन। सो एक स्कूल में विजिट करने गए थे डब्ल्यू बी यीट्स, उस स्कूल में उन्होंने क्या क्या देखा, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो इस पोयम में इन्होंने दिखाया है। बेसिकली ओटावा रायमा होता क्या है, 13th एंड 14th सेंचुरी इटली में ये जो टर्म है ये इजाद हुई थी। इसमें होता क्या है, एक स्टेंजा होता है 8 लाइन्स का, पोइट्री के लिए ये टर्म यूज की जाती है। 8 लाइन्स का स्टेंजा होता है जिसमें 11 सिलेबल्स होते हैं, एंड इसकी राइम स्कीम आपको पता होनी चाहिए। इसकी राइम स्कीम बहुत ही आसान है याद करनी, ए बी ए बी ए बी। सो 6 लाइन्स में ए बी करके आएगा एंड लास्ट में कपलेट होता है सी सी करके। सो 8 लाइन्स का एक सिंगल स्टेंजा होता है जिसको हम ओटावा रायमा कहते हैं, एंड इटली में इसकी शुरुआत हुई थी 13th एंड 14th सेंचुरी में। ए सडन ब्लो, द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल अबव द स्टैगरिंग गर्ल, हर थाइज कैरेस्ड बाय द डार्क वेब्स, हर नैप कॉट इन हिज बिल, ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट अपोन हिज ब्रेस्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द अबव लाइन्स? सो ये लाइन्स हैं लेडा एंड द स्वैन से, रेप का सीन है कि किस तरह से जो गॉड जियस हैं उन्होंने लीडा नाम की एक ह्यूमन बींग को बर्ड की फॉर्म में आकर, एक स्वैन की फॉर्म में आकर जो है रेप कर दिया था, एंड उसी सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो पैदा हुई थी हेलेन। हेलेन को ऐसा माना जाता है कि हेलेन पैदा हुई थी एक रेवोल्यूशन के लिए जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुई थी एंड ग्रीक का एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ था ट्रोजन वॉर के बाद, वहां पे एक क्लासिकल टाइम शुरू हुआ था। सो ये जो लाइंस हैं ये डब्ल्यू बी येट्स ने लिखी हैं लीडा एंड स्वैन से, ये लाइंस हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका आप टेक्स्ट पढ़ के जाना, और क्योंकि इसकी कोटेशंस में से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। कंज्यूम माई हर्ट अवे, सिक विद डिजायर एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। सो जो ये लाइन्स हैं ये कहाँ से आई हैं, ये आई हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम से, ये भी डब्ल्यू बी यीट्स की पोयम है। द वेमेन्स डेज वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुड विल, हर नाइट्स इन आर्ग्यूमेंट अंटिल हर वॉइस ग्रू श्रिल। सो डब्ल्यू बी यीट्स की ईस्टर 1916 से ये लाइन्स हैं। हु इज द पोएट रेफरिंग टू, किसके बारे में पोएट ने ये बातें इस पोयम में कही हैं? सो उन्होंने एक एक्टिविस्ट हैं, नेशनलिस्ट हम कह सकते हैं, जो उस रेवोल्यूशन में पार्ट कर रही थी, उसके बारे में लिखा है। वो है कॉन्स्टेंस गोरे बूथ मार्केविज। सो इसको हम कॉन्स्टेंस मार्केविज के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी जो है एक रेवोल्यूशनरी लड़की थी जिनको इन इन लाइंस में इन्होंने कंपेयर किया है कि कैसे उनकी जो यूथफुल ब्यूटी है एंड जेंटलनेस तो सबने देखी थी, बट इस रेवोल्यूशन में उनका जो रेवोल्यूशनरी परसोना है, उनकी जो रेवोल्यूशन वाली फिगर है वो सामने आती है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज पीटर एक्रोयड नॉट रिटन अ बायोग्राफी? सो पीटर एक्रोयड कौन है? पीटर एक्रोयड एक बायोग्राफर है, नॉवलिस्ट है, क्रिटिक है, और उनका हिस्ट्री और कल्चर ऑफ लंदन में काफी इंटरेस्ट है। सो उन्होंने बहुत सारे लोगों की बायोग्राफीज लिखी हैं, बट किसकी बायोग्राफी उन्होंने नहीं लिखी है? चार्ल्स डिकेंस की लिखी है, विलियम ब्लेक की भी लिखी है, टी एस एलियट की भी लिखी है, बट डब्ल्यू बी येट्स की बायोग्राफी उन्होंने नहीं लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन द सेल्टिक ट्विलाइट? सेल्टिक ट्विलाइट जो क्या है, एक वॉल्यूम ऑफ एसेज है जिसमें बहुत सारे एसेज लिखे गए हैं, और ये जो वॉल्यूम है ये लिखा है डब्ल्यू बी येट्स ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय डब्ल्यू बी येट्स रेपुडिएट्स द सेंसुअल वर्ल्ड इन फेवर ऑफ द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी?
सो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कौन सी पोएम में उन्होंने सेंसुअल वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया है, आर्टिफाइस एटर्निटी। इसका आंसर है सेलिंग टू बाय जेंटियम। सेलिंग टू बाय जेंटियम में उन्होंने ये दिखाया है कि वो जो नरेटर है या ऑथर खुद भी, वो ओल्ड है और यूजलेस है, वो एक टैटर्ड कोट की तरह है, यूजलेस है, एंड वो तरस रहे हैं, ही लॉन्ग्स फॉर अ प्लेस ऑफ पीस एंड एक्सेप्टेंस। उनको एक ऐसी जगह पर जाना है जहां पर उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनकी जो ओल्ड एज है वो बाधा ना बनकर एक अच्छी चीज मानी जाए। ठीक है। ऑफ होम डिड डब्ल्यू बी येट्स सेज दैट वी वर द लास्ट रोमेंटिक्स। सो रोमेंटिक्स कौन है हमें पता है, बट लास्ट रोमेंटिक्स किसको कहा है डब्ल्यू बी येट्स ने? हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न एज, और उसके पहले पूरी एक बड़ी एज विक्टोरियन एज निकल चुकी है, बट जो डब्ल्यू बी येट्स और उनका जो ग्रुप था, ये लोग रोमांटिक्स की तरह लिखते थे, ये लोग सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च करते थे जैसे रोमांटिक्स करते हैं, एंड ये लोग सेंसुअस टॉपिक्स के ऊपर लिखते थे और लैंग्वेज, राइम, रिदम की फिक्र नहीं करते थे जैसे रोमांटिक्स थे कि कौन मैन के लिए लिखा जाए, वैसे ही ये लिखते थे। सो डब्ल्यू बी येट्स ने ये किसके लिए कहा है? डब्ल्यू बी येट्स ने ये कहा है उनके फ्रेंड्स के लिए, खुद के लिए, इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, जो उनके साथ आयरलैंड के लिटरेरी रिवाइवल में शामिल थे। सो इन्होंने जो है नेशनल थिएटर भी शुरू किया था, सो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके लिए कहा, हिज फ्रेंड्स इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। सी विल बी द आंसर। मैच लिस्ट वन विद टू। सो कुछ लाइन्स दी गई हैं, उनको पोएम्स के साथ मैच करना है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अन एजिंग इंटेलेक्ट, ये जो लाइन है ये सेलिंग टू बाइजेंटियम से आई है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ अन एजिंग इंटेलेक्ट। ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर 2-3 बार नेट सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन द फाउल रैग एंड बोन शॉप ऑफ द हर्ट, ये जो लाइन है, द सर्कस एनिमल डिजर्शन, ये भी डब्ल्यू बी इट्स की पोएम है। सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर, ये लीडा एंड द स्वैन से आई है। सो थर्ड क्वेश्चन है लीडा एंड द स्वैन के कोटेशंस में से, पोइट्री में से, एज वियरी हर्टेड एज दैट होलो मून, ये एडम्स कर्स में से लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ओपनिंग लाइन्स विद देयर रिस्पेक्टिव टाइटल्स। सो ये एक मौका है आपको, मैंने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, मैं चाहती हूँ कि आप इन ओपनिंग लाइन्स को याद भी कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है एज इट इज ना हो, बट एक लाइन पूछ लें कि ओपनिंग लाइन्स कौन सी पोएम की है। सो देख लेते हैं। आई लीन्ड अपॉन अ कॉपीज गेट, ये जो लाइन है ये बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सी पोएम्स है। द डार्कलिंग थ्रश, ए सडन ग्लो, द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल। सो ग्रेट विंग्स आ गए, स्वैन के ग्रेट विंग्स की बात यहाँ पर हो रही है। लीडा एंड द स्वैन के साथ हम इसको मैच करेंगे। अमंग 20 स्नोई माउंटेन्स, ये जो पोएम है 13 ब्लैक बर्ड्स नाम की पोएम से है। एंड उसके बाद आई नो दैट द केज्ड बर्ड्स फील्स अलास, ये सिंपथी नाम की पोएम से है। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। सो लिस्ट वन एंड लिस्ट टू में हमें ऑथर्स को मैच करना है लाइन्स के साथ। अभी पोएम्स के नाम नहीं है, बट अगर हमें पोएम पता होगी तभी हम ऑथर को भी मैच कर पाएंगे। फेसेस अलोंग द बार क्लिंग टू देअर एवरेज डे, ये जो लाइन्स हैं डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखी हैं। द ऑफुल ड्यूरिंग ऑफ आ मोमेंट सरेंडर, ये जो लाइन्स है टी एस एलियट की लाइन से पोएम से आई हैं। एंड बेंट डबल लाइक ओल्ड बैगर्स अंडर सैक्स, ये विल्फ्रेड ओवन की पोएम से आई हैं, बहुत ही फेमस पोएम है ये उनकी। आई सॉ द बेस्ट माइंड्स ऑफ माई जनरेशन डिस्ट्रॉयड बाय मैडनेस, ये एलन गिन्सबर्ग की पोएम से आई हैं लाइन्स। नेक्स्ट अगेन हमें मैचिंग करनी है पोएम्स एंड ऑथर्स को, और बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट पोएम्स इसमें हैं, बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए कि ये पोएम्स किसकी हैं। स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है द पाइलोन्स, एंड डब्ल्यू एच ऑर्डन का वर्क है कंसीडर, एंड जॉन मेसफील्ड का वर्क है कार्गोज, एंड एडलेस सॉरी एडवर्ड थॉमस का जो वर्क है वो है एडलेस ट्रॉप।
एटलस ट्रॉप भी एक अच्छी पोएम है, आप इसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू WH ऑर्डन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज द प्योरेस्ट एग्जाम्पल इन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ ए वर्बल ओपेरा। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसका आपको इसकी समरी देखकर जानी चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट हमने पिछली एज में इस वर्क को पढ़ा था, जिसमें कि अर्नेस्ट नाम होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक कॉमिक हम ये कह सकते हैं प्ले है ये। सो WH ऑर्डन ने इसकी तारीफ में लिखा है कि ये प्योरेस्ट एग्जाम्पल है वर्बल ओपेरा का। ये बिल्कुल ट्रू है, ये WH ऑर्डन ने सच में कहा है। ऑस्कर वाइल्ड पोजेस्ड प्रोफाउंड इनसाइट इनटू द रेंज ऑफ द आर्ट्स दैट इज कंबाइंड फॉर्म मेक थिएटर परफॉर्मेंस पॉसिबल। सो ये भी बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। लिस्ट मैच करनी है हमें, वर्क्स को हमें पोइट्स के साथ मैच करना है। एंड लायंस एंड शेडोज जो एक वर्क है वो लिखा है क्रिस्टोफर इशरवुड ने, एंड द स्टील सेंटर जो वर्क है वो लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने, एंड ट्रांसलेशन ऑफ एग्मैनन जो वर्क है वो लिखा है लुइस मैकनीस ने, एंड लास्ट वन द सी एंड द मिरर लिखा है WH ऑर्डन ने। द फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स ऑफ DH लॉरेंस, आइडेंटिफाई द पोएम। DH लॉरेंस वैसे तो एक नॉवलिस्ट हैं, बट उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री भी लिखा है जिसका नाम है बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स की बात नहीं की गई है, नेचर की बात की गई है, बर्ड्स की, एनिमल्स की, फ्लावर्स की। ठीक है, सो उनमें से ही एक पोएम की कुछ लाइन्स यहाँ पर दी गई हैं। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट पेटिनेस। पढ़ के जाना, ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग सी है और बहुत ही आसान सी है। ये जो लाइन्स हैं ये स्नेक नाम की एक पोएम से हैं, जिसमें जो नरेटर है वो अपने घर की विंडो से देख रहा होता है और उसके घर के बाहर जो पोंड होता है वहां पर एक स्नेक पानी पीने आता है। जब वो उस स्नेक को देखता है उसके मन में कैसे विचार आते हैं। एक टाइम उसका मन करता है कि क्योंकि जो सांप है वो जहरीला होता है, नुकसान कर सकता है, मुझे उसे मार देना चाहिए, और दूसरे ही पल वो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर नाम के टेक्स्ट को याद करता है जो हमने रोमांटिक एज में पढ़ा था, जिसमें जो कैप्टन है उसके गले में एल्बेट्रोस नाम के पक्षी को लटका दिया जाता है क्योंकि उसने उसको मारा था फॉर पनिशमेंट। सो वो सोचता है कि नहीं, मुझे प्रकृति को खराब नहीं करना चाहिए, मुझे स्नेक को नहीं मारना चाहिए, ये जो स्नेक है ये प्रकृति का एक अजूबा है, अपने आप में ये एक राजा है, लॉर्ड है। तो इस तरह से उसके माइंड में जो कश्मकश चलती है उसका एक्सप्लेनेशन इस पोयम में दिया हुआ है। वाइल द वर्ल्ड मूव्स इन एपिटेंसी ऑन इट्स मेटल्ड वे ऑफ टाइम पास्ट एंड टाइम फ्यूचर, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से आई हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम की लाइन्स हैं। ये आई हैं बर्नट नॉर्टन से, T.S. एलियट का वर्क है। T.S. एलियट ने एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री लिखा है जिसको हम फोर क्वार्टरेट्स कहते हैं। फोर क्वार्टरेट्स में चार ही पोएम्स हैं और उसी चार पोएम्स में से सबसे पहली पोएम है बर्नट नॉर्टन। सो इसकी क्रोनोलॉजी हमें करनी है चारों पोइम्स की। आगे मैंने एक क्वेश्चन में इस क्रोनोलॉजी को करवाया भी है, तो हम आगे देखेंगे इसको। सो बर्नट नॉर्टन से ये जो लाइन्स हैं ली गई हैं। इन हिज पोयम विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी, T.S. एलियट सेज दैट अ ड्रामेटिस्ट वॉज मच पोजेस्ड बाय डेथ एंड सॉ द स्कल बिनिथ द स्किन, एंड अ पोइट न्यू द एंग्विश ऑफ द मोरो द ऑग ऑफ द स्केलेटन। हु आर द ड्रामेटिस्ट एंड द पोएट रेफर टू बाई एलियट। सो T.S. एलियट ने ये वर्क लिखा है विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसमें उसने दो पोएट एंड ड्रामेटिस्ट को डिस्क्राइब किया है जो कि बहुत पिछली एज से हैं, एलिजाबेथन एज से हैं। सो वो कौन है, वो जिनके बारे में ऑथर बोल रहा चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि एक ड्रामेटिस्ट ऐसा है जो इस तरह से प्लेज लिखता है कि उसके प्लेज में इतनी वायलेंस होती है कि हमें स्किन के नीचे का जो स्कल है वो भी दिखाई दे जाता है। सो ब्रुटैलिटी की बात की गई है, तो ये जो
उन्होंने बोला है, ये जॉन वेबस्टर के लिए बोला है, जॉन वेबस्टर को एलिजाबेथन एज में काउंट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो लाइन इन्होंने लिखी है, एंड सॉ द सॉरी न्यू द एंग्विश ऑफ द मॉरो द ऑग ऑफ द स्केलेटन, कि एक पोइट ऐसे हैं कि जो हर चीज को इस तरह से फील करते हैं कि जैसे जो कंकाल की पीड़ा होगी, जो कंकाल है, जो स्केलेटन है, उसकी पीड़ा को भी वो महसूस कर सकते हैं। ऐसी चीज हमें एक ऑथर की पोइट्री में दिखती है, वो है जॉन डन। सो जॉन डन के लिए उन्होंने ये लाइंस लिखी हैं, और जॉन वेबस्टर के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फोर पार्ट्स ऑफ द फोर क्वार्टेट्स। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फोर क्वार्टेट्स टी एस एलियट ने लिखा है, जिसमें चार पोएम्स हैं, उसको हमें क्रोनोलॉजिकली देखना है। सो क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले है बर्नट नॉर्टन, जिसको हमने पीछे भी देखा था। सेकेंड है ईस्ट कोकर, थर्ड है द ड्राई सेल्विजेस, एंड फोर्थ है लिटिल गिडिंग। सो सी विल बी द आंसर। ए क्रिटिकल क्वेश्चन एलियट्स प्रूफ रो पोजेस सो इम्पॉर्टेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कैरेक्टर इज। सो एलियट की सबसे सबसे फेमस पोएम्स, सेकेंड फेमस पोएम हम कह सकते हैं, सबसे फेमस पोएम है वेस्टलैंड। सो जे एल्फ्रेड प्रूफ रोक एक पोएम है जो एलियट ने लिखी थी, बहुत लंबी पोएम है, और जिसमें से न जाने कितने क्वेश्चंस कोटेशन से हमें मिलते हैं हर तरह के एग्जाम में, यूजीसी नेट में, सेट में, केवीएस में, एनवीएस में। सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी ये पोयम है, आप जरूर देखें। प्रूफरोक जो है वो एक कंफ्यूजन में है, टू बी और नॉट टू बी वाली। वो एक ऐसी एज में है, यंग है, बट वो फिर भी अपने हाथ से निकली हुई अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचता है कि अपॉर्चुनिटीज चली गई हैं बहुत सारी, और उसकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसके बारे में वो सोचता है कि कितनी हुई है, या वो लैक करता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। उसके अलावा उसकी लाइफ में कोई लव लवर नहीं है और वो उसे चाहिए। सो लैक ऑफ लव लाइफ उसके बारे में सोचता है। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन उसे है। उसके अलावा एजिंग के बारे में वो सोच रहा है कि अब मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड मोर्टालिटी के बारे में सोचता है कि मेरी एक दिन डेथ हो जाएगी। सो अगर आप लोग भी 30 30s से लेके 40 की एज के बीच में हैं जो मुझे सुन रहे हैं, शायद आपको भी कभी ये ख्याल आते होंगे कि हम एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, हम बूढ़े हो रहे हैं, बॉडी चेंज होती है इस टाइम पीरियड पे। सिमिलरली जो प्रूफरोक है वो भी इन सारी चीज़ों को सोच रहा है, और उसकी कोटेशंस बहुत सारी हैं जो आप देख सकते हो, टेक्स्ट आप पढ़ सकते हो, बट ये लंबी पोयम है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस आप निकाल सकते हो इंटरनेट से और देख सकते हो। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, डू आई डेयर। मैंने आपको ब्रीफ कर दी, वो एक्चुअल में एक कॉफी हाउस में बैठा एक लड़की का वेट कर रहा होता है एंड कॉफी पी रहा होता है ना। सो ये आप देख कर जाना। इल मिगलोर फैब्रो, ये एक्सप्रेशन एलियट ने यूज किया था अपने ही एक फ्रेंड के लिए जो एक ऑथर भी हैं, वो कौन है। सो ये जो फ्रेज है ये उन्होंने यूज किया था एजरा पाउंड के लिए। एजरा पाउंड जो है इनके एक अच्छे मित्र भी थे एंड फ्रेंड थे, और इसका मतलब, इस फ्रेज का मतलब होता है द बेटर क्राफ्ट्समैन। और अपने इसी फ्रेंड को इन्होंने अपनी सबसे फेमस पोयम वेस्टलैंड डेडिकेट की थी, और ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फिलोसफी इज सीन इन द राइटिंग्स ऑफ। इंडियन फिलोसफी का इम्पैक्ट हमें किसकी राइटिंग्स में दिखता है? हमें टी एस एलियट की राइटिंग्स में इंडियन फिलोसफी का इम्पैक्ट दिखता है। इवन अगर आप टी एस एलियट का वेस्टलैंड देखोगे तो उसकी जो लास्ट लाइन्स हैं वो एग्जैक्टली हमारे वेदों से उन्होंने उठाई है। दम्यता है ना, इस तरह से कि दया हमें करनी चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। सो उनके ऊपर सीधा सीधा इंडियन फिलोसफी का असर हमें दिखता है, सीधी डायरेक्ट लाइंस उन्होंने हमारी फिलोसफिकल बुक से उठाई हैं। विच एलियटियन कैरेक्टर अटर्स द क्वेश्चन डू आई ईट अ पीच। सो ये भी प्रूफरोक से आई है। सो ये जो लाइन है ये भी प्रूफरोक ने ही बोली है। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी गई एक पोयम है। इसका टाइटल पहले कुछ और रखा गया था, बट रुडयार्ड किपलिन की एक वर्क से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने इसका टाइटल चेंज कर दिया था।
In its final published version, Eliot's The Wasteland contains a total of final जो वेस्टलैंड की पब्लिकेशन हुई थी, पब्लिश हुई थी, उसमें कितनी लाइंस थी? 433 लाइंस थी इन टोटल. वेस्टलैंड तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. वेस्टलैंड का यूँ समझ लो कि हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सी इमेजरी उसमें यूज़ की है, पांच सेक्शन है उनकी, क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए. उसमें बहुत सारे एल्यूजन्स हैं. एल्यूजन्स क्या होते हैं? रेफरेंसेस. कोई लाइन कहीं से उठाई है, कोई लाइन कहीं से उठाई है, उसको मॉडर्न सिनेरियो के साथ जोड़ कर उन्होंने अपनी पोयम में इंक्लूड किया है. डिफरेंट डिफरेंट लंदन की जगहों का वर्णन उन्होंने किया है, जहाँ पर कोई डिफरेंट स्ट्रीम के लोगों को हम कह सकते हैं, पब्स उन्होंने दिखाए हैं, रिवर साइट दिखाई है, टाइपिस्ट दिखाए हैं, उसके अलावा जो भविष्य बताते हैं ऐसे लोगों को. सो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, तो आपको इसको भी डिटेल में देखना है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीन्स ऑफ वेस्ट लैंड डू वी हैव अ डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश. सो ऐसा बहुत बार होता है कि पोइट्स क्या करते हैं, मल्टीपल लेवल्स पर वो लिखते हैं. स्टैंडर्ड इंग्लिश लिख देंगे, एरिस्टोक्रेटिक इंग्लिश लिख देंगे, फिर उसके बाद लोकल डायलेक्ट में लिख देंगे. सो वेस्ट लैंड में ऐसा कौन सा सीन है जिसके बाद हमें स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं मिलती? पब सीन जो है उसमें हमें स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं मिलती. यहाँ पर ऑथर ने जो है लोकल लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दी थी. अलोंग द शोर ऑफ सिल्वर स्ट्रीमिंग थेम्स हुज रटी बैंक द विच हिज रिवर हैम्स वॉज पेंटेड ऑल विद वेरिएबल फ्लावर्स फिट टू डेक मेडन्स बावर्स एंड क्राउन देयर पैरामोर्स अगेंस्ट देयर ब्राइडल डे विच इज नॉट लॉन्ग स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग. सो ये जो लाइन्स हैं ये एडमंड स्पेंसर के पैरा प्रोथैलेमियन से है. सो दो वर्क लिखे थे उन्होंने, एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन. सो प्रोथैलेमियन की लाइन्स हैं ये और बहुत ही फेमस लाइन्स हैं. एडमंड स्पेंसर कौन है? एडमंड स्पेंसर एक पोइट हैं एलिजाबेथन एज के. तो इन लाइंस को पिक किया है टी एस एलियट ने. टी एस एलियट ने अनदर पोएट फोंडली रिकॉल्स दीज लाइंस बट कैनॉट कंसील देयर हैवली आयरनिक टोन. सो बेसिकली जो स्पेंसर है उन्होंने तो अपनी शादी के दिन के बारे में इस पोएम में पूरा डिस्क्राइब किया है. सुबह से लेकर रात तक के हर इंसिडेंस, जो गीत गाए जाते हैं, जो भी रस्में होती हैं, उनके बारे में उन्होंने ये पोएम लिखी थी. बट टी एस एलियट ने इसको अपने वर्क में पिक किया है वेस्टलैंड में और क्रिटिकल तरह से किया है. सो टी एस एलियट का जो वेस्टलैंड है उसमें ये लाइन ली गई है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग. मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे एल्यूजन्स रेफरेंसेस इसमें मल्टीपल तरह के वर्क्स के हैं. इसमें हमें वेस्टलैंड के पांच सेक्शन को क्रोनोलॉजिकली सेट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला जो सेक्शन है वो बरियल ऑफ द डेड है. बरियल ऑफ द डेड के बाद जो सेकंड सेक्शन है वो गेम ऑफ चेस है एंड थर्ड सेक्शन जो है वो द फायर सर्मन है. फायर से फिर मूव होकर के डेथ बाय वाटर, पानी के पास चले जाते हैं, फायर फिर वाटर, फिर लास्ट में जो सेक्शन आता है वो आता है व्हाट द थंडर सेड. सो इस तरह से सीन जो है वो चेंज होता रहता है, कभी पहाड़ों में, कभी पानी, कभी आग. और ये पांचों सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसके अलावा आगे पीछे की डिटेल्स भी इसकी इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स फ्रॉम एलियट्स वेस्टलैंड इज नॉट करेक्टली मैंशन. कौन सा कैरेक्टर है जो वेस्टलैंड में अपियर नहीं होता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं वेस्टलैंड के. सो द टाइपिस्ट, टाइपिस्ट भी उसमें है, मैडम सोसोस्ट्रिस भी है एंड द मर्चेंट फ्रॉम यूजेनाइट्स. ये कैरेक्टर जो है वेस्टलैंड में नहीं है. द यंग मैन कार्बंकुलर. कार्बंकुलर क्या होता है? जिसके फेस पर मोटे मोटे दाने हो, ठीक है, जैसे माता निकल जाती है, चिकन पोक्स रहता है और बड़े बड़े दाने हो जाते हैं फेस पर, वैसे ही एक इंसान है कार्बंकुलर. तो वो भी इसमें अपियर होता है. सो सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ द लंदन लोकेल इन द वेस्टलैंड. सो वेस्टलैंड में हमें क्या दिखाई देगा? लंदन की डिफरेंट डिफरेंट जगहों का डिस्क्रिप्शन हमें दिखेगा, बहुत सारी चर्चेज के बारे में दिखेगा. तो ऐसी कौन सी जगह है जो लंदन के लोकल जगह है बट इस पोएम में मेंशन नहीं है? अब ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. अगर आप पोएम को बहुत डिटेल में पढ़ोगे तभी आपको इसका आंसर आएगा, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. सेंट मैग्नस मार्टियर, ये एक चर्च है
जो कि फायर ऑफ लंदन में 1666 में जल गई थी, एंड उस चर्च के बारे में इन्होंने इसमें बात की है। तो ये तो है किंग आर्थर स्ट्रीट, ऐसी कोई जगह जो है वेस्टलैंड में नहीं है। उसके अलावा सेंट मेरी वुलनोथ, ये भी एक चर्च है लंदन की, उसके बारे में उन्होंने बताया है। एंड लोअर थेम स्ट्रीट, सो लोअर थेम स्ट्रीट भी इस बुक में, इस पोयम में दिखाई गई है। ये जो स्ट्रीट है इसमें एक पब्लिक पब का सीन इसमें दिखाया गया है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। सो बी विल बी द आंसर। विच पॉपुलर नर्सरी राइम इज मैंशनड एट द एंड ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड में कौन सी नर्सरी पोएम यूज की गई है? लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ये एक बहुत फेमस नर्सरी पोएम है जो ना सिर्फ इंग्लैंड बट और बहुत सारी कंट्रीज में छोटे बच्चों के द्वारा गाई जाती है। सो लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ये आंसर रहेगा, बी विल बी द आंसर। टी एस एलियट फाउंड स्पिरिचुअल सपोर्ट इन, टी एस एलियट को स्पिरिचुअल सपोर्ट कहाँ से मिलता है? देखिए वैसे तो उन्होंने बुद्धिज्म, हिंदुइज्म सब कुछ पढ़ा था, हर तरह की जो बुक्स हैं वो पढ़ी थी, बट जो उनको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिला वो क्रिश्चियनिटी में मिला। कैसे मिला क्रिश्चियनिटी में? वो क्रिश्चियन शुरू से ही थे, बट जब वो इंग्लैंड जाते हैं, पहले वो अमेरिकन पोइट हैं, वो अमेरिका में जन्म हुआ था उनका, जब वो इंग्लैंड में जाते हैं तो इंग्लैंड में वो अपना क्रिश्चियनिटी में ही चेंज कर लेते हैं, वो एंग्लिकन चर्च को फॉलो करना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो मुझे क्रिश्चियनिटी से ही मिलेगा। सो उन्होंने अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ा, वहाँ से नॉलेज ली, बट बेसिकली ही वॉज ए क्रिश्चियन और एंग्लिकन चर्च को वो फॉलो करते थे। आइडेंटिफाई द टाइटल्स दैट वर पब्लिश्ड इन द 1920s, 1920, देखो पिछले लेक्चर में हमने 1922 किया था, इस 1920s का भी जो है ईयर इम्पॉर्टेंट है, 20s है तो एक पूरे डेकेड की बात की गई है। लुक स्ट्रेंजर, द टावर, द वेस्ट लैंड, द रोड टू वीगन पायर, सो इसका आंसर जो है द टावर। द टावर इस टाइम पर हुई थी, एंड द वेस्ट लैंड 1922 में ये पब्लिश हुई थी। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बी एंड सी। इवलिन वो वंस कंप्लेन दैट टी एस एलियट पोएम्स 1909 to 25 वॉज मार्वलसली गुड बट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, द मोस्ट पेसिमिस्टिक नॉवल वो रोट वॉज कॉल्ड डैश एंड ही ओड द टाइटल टू डैश। सो टी एस एलियट की पोएम्स के बारे में इवलिन वो ने कोई अच्छा ओपिनियन नहीं दिया था। वो कहते कि ये बहुत अच्छी हैं बट बहुत मुश्किल हैं समझने में, तो ये बात बिल्कुल सही भी कही है उन्होंने। टी एस एलियट की वेस्टलैंड को ही ले लो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें इतने सारे पैचेज हैं कहीं कहीं से उठा के। इसी तरह से जो प्रूफ रोक है वो भी आपको उसमें भी बहुत ही बेसिर पैर की कुछ बातें आपको लगेंगी, तो वो अच्छी हैं बट उनको समझना मुश्किल है। ऐसी कौन सी पोयम से, कौन से फ्रेज से उन्होंने एक टाइटल लिया है और उसके ऊपर नॉवल लिखा है इवलिन वो ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में ये रिपीट होता है। इवलिन वो ने लिखा है हैंडफुल ऑफ डस्ट, और ये जो लाइन है ये आती है वेस्ट लैंड से, हैंडफुल ऑफ डस्ट। मुझे मेरे टीचर याद आ गए, कृष्ण कथूरिया सर, वो पढ़ाते थे हमें वेस्ट लैंड, एंड वो बहुत ही जोश से इस पोएम को पढ़ाते थे, हैंडफुल ऑफ डस्ट वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जरोनशन टी एस एलियट सेज डैश हैज मैनी कनिंग पैसेजेस, कंट्राइव्ड कॉरिडोर्स एंड इश्यूज, डिसीव्स विद विस्परिंग एम्बिशंस, गाइड्स अस बाय वैनिटीज, व्हाट इज एलियट सब्जेक्ट? एलियट ये सारी चीजें किसके बारे में कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये कोटेशन में क्या फिल इन द ब्लैंक रहेगा, इसमें रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री को कंपेयर किया है उन्हें, उन्होंने एक विमेन के साथ कि जो विमेन है और हिस्ट्री है वो एक जैसे होते हैं। ये एक मोनोलॉग है, मोनोलॉग कहाँ से आया है, मतलब ये कौन सी पोयम से लाइन्स हैं? ये जरोनशन नाम की एक पोयम है, जरोनशन ओल्ड एज को कहते हैं, और इसमें एक ओल्ड मैन है जो अपने मोनोलॉग के थ्रू अपने मन की बात बताना चाह रहा है। तो उसके थॉट्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है, यूरोप की क्या कंडीशन है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कैसी सिचुएशन हो गई थी, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। सो हिस्ट्री हैज मैनी कनिंग पैसेजेस, तो हिस्ट्री को वुमेन के साथ कंपेयर किया है।
In Eliot's love song of J. Alfred Prufrock, who among the following painters is the subject of conversation among the perambulating women? Perambulate क्या होता है? जब हम घूम रहे होते हैं प्लेजर के लिए, जब हम वॉक करते हैं उसको पैरम्बुलेटिंग कहते हैं. सो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा माइकल एंजेलियो. माइकल एंजेलियो एक पेंटर हैं बहुत फेमस, उनके बारे में बात की गई है. हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू ग्रेट मास्टर्स ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज द टी एस एलियट कंट्रास्ट विद ड्राइडन एंड मिल्टन इन द मेटाफिजिकल पोइट्स. मेटाफिजिकल पोइट्स क्या है? मेटाफिजिकल पोइट्स एक ऐसे है टी एस एलियट ने लिखा है, एंड उन्होंने ड्राइडन एंड मिल्टन के साथ किसको कंपेयर किया है? उन्होंने कंपेयर किया है जीन रेजिन को, जीन रेजिन के साथ साथ चार्ल्स बोडलियार को. ये जो लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक सेक्शन होता है थियोरी का, दोनों ही ऑथर्स को हम वहाँ पर पढ़ते हैं, जीन रेजिन एंड चार्ल्स बोडलियार. तो इन दोनों को कंपेयर किया है ड्राइडन एंड मिल्टन के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय टी एस एलियट इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन. टी एस एलियट के वर्क तो होते ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसकी क्रोनोलॉजी भी हमें करनी चाहिए. इसकी क्रोनोलॉजी है ए मर्डर इन द कैथेड्रल, बहुत ही फेमस प्ले है, आपको डेफिनेटली देखना है. द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लब. अगर आप मुझे पूछो तो पहले तीन जो प्लेज हैं उसकी समरी आप ज़रूर देखना, मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रीयूनियन एंड द कॉकटेल पार्टी. द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट ट्रीजन टू डू द राइट डेड फॉर द रॉन्ग रीजन. टी एस एलियट की प्ले से, मर्डर इन द कैथेड्रल से ये कोटेशन आई है. अब इसमें उन्होंने कहा है कि वाई इज द टेम्पटेशन ट्रीजन फॉर द स्पीकर ऑफ द लाइन्स. तो इसमें स्पीकर कौन है? थॉमस बेकेट इन लाइन्स को बोल रहे हैं. एंड थॉमस बेकेट के अकॉर्डिंग जो टेम्पटेशन है वो एक ट्रीजन क्यों है? ट्रीजन क्या होता है? देशद्रोह. सो टेम्पटेशन देशद्रोह कैसे हो सकता है? सो इन लाइन्स में वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप किसी अच्छे काम को कर रहे हैं बट गलत रीजन से कर रहे हैं, अगर आपके रीजन रॉन्ग है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अच्छे काम भी कर रहे हैं वो भी गलत है. तो ये चीज़ जो है क्यों कही गई है? क्योंकि इट्स ओनली सेल्फ सर्विंग, क्योंकि वो सिर्फ आपको सर्व कर रहा है, पूरी पब्लिक को या जनता को सर्व नहीं कर रहा है. सो बैकेट ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सिर्फ अपनी डिज़ायर्स के लिए कुछ भी अच्छा भी कर रहे हैं और उसका जो रीज़न है, उसको जो करने के पीछे आपका मोटिव है, वो सेल्फिश है, वो भी एक तरह का हम ट्रीजन मानेंगे, देशद्रोह मानेंगे, या वो एक गलत चीज़ मानी जाएगी. सो थॉमस बैकेट के बारे में आप डेफिनेटली इस प्ले में पढ़ेंगे कि वो कौन है, वो किस तरह से एक सेंट बन गए, किस तरह से उन्होंने राजा की हर तरह की ब्राइब को ठुकरा दिया, क्योंकि वो एक सच में संत थे. वो कैसे लोगों को गाइड करते हैं वो सारी चीज़ें हमें इसमें दिखेगी, और कैसे उनका मर्डर हो जाता है. उनको पता होता है कि उनका मर्डर हो जाएगा, स्टिल उनको किसी तरह का डर नहीं होता, और लोग उनको बोलते भी हैं कि आप बाहर मत निकलो, आप यहाँ मत जाओ, आप सामान मत दो, बट ही वॉज लाइक कि मेरा ये काम है, अगर मेरी डेथ आनी है तो आने दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग प्लेज विद योर ऑथर्स अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो. सो हमें वर्क्स को ऑथर्स के साथ मैच करना है. हर्ट ब्रेक हाउस लिखा है जी बी शॉ ने. जी बी शॉ एक इम्पॉर्टेंट प्ले राइट हैं, हमें डेफिनेटली उनके सारे वर्क्स, 17 से 18 प्लेज उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से 4 से 5 प्लेज आपको ज़रूर देखने चाहिए. सेकेंड है लोयालिटीज़ लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने, इसी एज के ड्रामेटिस्ट हैं. थर्ड है इन द जंगल ऑफ सिटीज़, ये बर्टोल्ट ब्रैचेट ने लिखा है. एंड द फैमिली रीयूनियन, जो कि आपको करके भी जाना है, वो लिखा है टी एस एलियट ने. मैच द प्ले विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्ले, हमें थीम देखनी है. द डॉक्टर्स डेलेमा, डॉक्टर्स डेलेमा में जो है मोकरी की गई है फिजिशियंस की, डॉक्टर्स की इग्नोरेंस की, कि किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो इग्नोरेंट होते हैं. यू नेवर कैन टेल में है डेवल्यूशन ऑफ सोशल ट्रेडिशंस, कि किस तरह से सोशल ट्रेडिशंस हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहता है. डीवैल्यूएशन की, कैसे जो है वो लोगों ने अब उनको छोड़ना शुरू कर दिया है.
कैंडिडा में है, कैंडिडा का जो आएगा वो आएगा फ्लोटिंग ऑफ स्टेज कन्वेंशन. फ्लोटिंग ऑफ स्टेज कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि स्टेज पर जो ट्रेडिशनल तरीके से जो रीति रिवाज होते हैं स्टेज के किसी प्ले को वो करने के लिए, उसको किस तरह से तोड़ा जाए, तो उसके बारे में है ये. एंड फोर्थ है आर्म्स एंड द मैन. इसमें मिलिट्री हीरोज के ऊपर ये सटायर है. ये आपको आर्म्स एंड द मैन एंड कैंडिडा करके जाना है. आर्म्स एंड द मैन जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबसेस में भी रहता है, जिसमें कि लोगों के मन में जो आर्मी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इमेज बनी होती है, तो इस प्ले में दिखाया गया है कि कैसे जो आर्मी के लोग हैं वो भी कॉमन लोगों की तरह ही होते हैं, उनके भी उन ट्रिवियल चीजों में इंटरेस्ट होते हैं. जैसे कि इसमें एक सोल्जर है जिसके जेब में बहुत सारे चॉकलेट्स हैं. सो रायना पैटकोफ इसकी हीरोइन है, एंड किस तरह से उसके दिमाग में बहुत बड़ी इल्यूजन है आर्मी के लोगों को लेके, बट जब वो एक सोल्जर से मिलती है जिसकी पॉकेट में वो देखती है कि चॉकलेट्स हैं, तो उसको लगता है कि मैं कुछ और ही सोचती थी. बहुत ही इमेजिनरी सी सिचुएशन मेरे माइंड में सोल्जर्स को लेके थी. विडोअर्स हाउसेस वॉज रिटन बाय, विडोअर्स हाउसेस किसने लिखा है, ये जी बी शॉ ने लिखा है. जी बी शॉ ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं. लिस्टेड बिलो आर सम इंग्लिश प्लेज अक्रॉस सेवरल सेंचुरीज. ट्वेल्थ नाइट, शी स्टूप्स टू कॉन्कोर, द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट, पिग्मालियन एंड ब्लिथ स्पिरिट. सो इन सारे प्लेज में क्या कॉमन है? ट्वेल्थ नाइट हमारी एलिजाबेथन एज शेक्सपियर का प्ले है. शी स्टूप्स टू कॉन्कोर जो है रेस्टोरेशन एज में आता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है रोमांटिक एज में, पिग्मालियन ब्लिथ. सो ये सारे प्लेज जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, बट इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. बट इन सब में क्या कॉमन है? इसमें हमारी एज से द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट हमारे सिलेबस से है एंड पिग्मालियन. सो इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है कि ये सारी रोमांटिक कॉमेडीज हैं. ट्वेल्थ नाइट भी एक कॉमेडी है, तो ये सारे प्लेज भी रोमांटिक कॉमेडीज हैं जिसमें कि कॉमेडी है, लाफ्टर है, लव के बारे में जो है बहुत लाइट मूड से एक्सप्लेन किया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ बर्नार्ड शॉ अटैक्स डार्विनिज्म, डार्विन की जो एवोल्यूशन थियोरी है उसके ऊपर अटैक किया है जी वी शॉ ने, वो कौन सा प्ले है जिसमें हमें ये दिखाई देता है? ये है बैक टू मेथुसलेहा. बैक टू मेथुसलेहा में उन्होंने जो है डार्विन की एवोल्यूशन थियोरी को चैलेंज किया है. सीनो केसेस जूनो एंड द पीकॉक इज, सीनो केसी का जूनो एंड पीकॉक क्या है? वो एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है. सो सीनो केसी का यही एक वर्क है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के जाना. एंड यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं. आपको जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं उन ऑथर्स को आप कवर करो. एक लिस्ट तो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको दी है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और उन ऑथर्स के इम्पोर्टेंट वर्क्स कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कह रहे हैं कि मैम पीडीएफ्स दे दो, मैम हमें नोट्स दे दो. तो मेरे तरफ से आपको एक सजेशन है, आप विकीपीडिया की हेल्प लें, क्लिफ नोट्स की हेल्प लें. आपको वहाँ पर सारे जो भी वर्क्स मैंने बोले हैं उन ऑथर्स के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. आपको आसान लैंग्वेज में मिल जाएंगे कंप्लीट मटेरियल, या फिर विकिपीडिया को आप रेफर कर सकते हैं. विकिपीडिया एक अच्छा सोर्स है जिसमें आपको किसी भी वर्क की अगली और पिछली सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाती हैं. उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, उसका कौन सा ईयर है, उसका टाइटल कहाँ से आया है. सो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको विकिपीडिया से मिल जाएंगी. तो आपको नोट्स अगर कहीं से नहीं भी मिल रहे हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम. सिर्फ आप एक टाइटल भी गूगल पे डालेंगी तो भी आपको उसकी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज. सिर्फ दो लेक्चर्स में हमारा ब्रिटिश लिटरेचर खत्म हो जाएगा. शेक्सपियर बचा है, शेक्सपियर की डिटेल्स मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगी. बहुत सारे प्लेज हैं उनके और उनमें से आप कौन कौन से करके जाएं. वैसे तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे उनके 37 प्लेज हैं, उनकी ट्रेजिडीज और ट्रेजिक कॉमेडीज और कॉमेडीज, ये सारे जो हैं आप डेली एक प्ले की समरी पढ़ा करें, ताकि अभी भी जितने दिन बचे हैं उसमें 20 22 25 जितने प्लेज आप कवर करके जाएंगे उतना अच्छा है. विकिपीडिया से कर सकते हैं, स्पार्क नोट से कर सकते हैं, क्लिफ नोट से कर सकते हैं. ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको गूगल पे मिल जाते हैं बहुत आसानी से. वहां से आप कॉपी पेस्ट करके उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है.
So, see you soon in the next video. Thank you so much.